हमारे मतलब हमारे भाषा में इसको इरंद कहते हैं, और हिंदी भाषा में तो मुझे पता नहीं, पर ये बॉयल टोमेटो और फिर पोटैटो के साथ बनाया गया है। ये हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे पता नहीं। ये देखिए गाइस, ये फिश है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए एक न्यू व्लॉग लेकर आ चुकी हूँ, एंड अभी मम्मी बीमार है। सो आज का डिनर मैं बनाऊंगी, और मैं तो राइस बना नहीं सकती, मतलब खाना बना नहीं सकती, इसलिए मैं आज सोच रही हूँ कि मैं मतलब रोटी बना दूँ, क्योंकि मुझे रोटी बनाना परफेक्टली आता है। और मैं मतलब पोटैटो फ्राइज के साथ बनाऊँगी, पोटैटो फ्राइज भी बनाऊँगी, और पापा के लिए ऑमलेट बना दूँगी। फिर चलो स्टार्ट करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा रोटी पसंद हूँ। ये देखो गाइस, हमने आटा ले लिया। क्योंकि मैंने इसमें नमक डाला था, सॉल्ट डाला था, इसको मिक्स करना है, और थोड़ा सा गड्ढा उस पे पानी रखना है। हाँ, थोड़ा सा गड्ढा नहीं, मैंने पानी ले लिया है। मैं अभी थोड़ा थोड़ा ही पानी ले रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने बोला था थोड़ा थोड़ा पानी लेना है। एक बार में लेंगे तो सब भीग जाएगा, और मुझे पता नहीं कितना लेना है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ। मम्मी थोड़ा थोड़ा ही लेती है, जब वो मम्मी आटा बना मतलब रोटी बनाती है तो मम्मी के हाथ में तो थोड़ा भी आटा नहीं होता, तेरे हाथ में भी थोड़ा लेती। ले लिया। क्यों बच्चे से रो रहा है क्या? मैं रो नहीं रही हूँ, हंस रही हूँ। क्या कर रहा है? आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने लाल मारा, रो रहे थे। बिट्टू ने प्यार किया, हंस रहे थे। पापा ने पैसे दिया, नाच रहे थे। भैया ने लड्डू दिया, पता नहीं खा रहे थे। गु, गु, गु। बहुत अच्छा बन रहा है। मैं भी खेल रहा हूँ दीदी के जैसे। देखो गाइस, बिट्टू ने भी थोड़ा आटा लेके देखो एग रोल बना लिया। तो एग रोल भी बना सकता हूँ, जो चीज बनाना तो बना सकता हूँ मैं तो। ठीक है, और मत लो, ठीक है? नहीं लेता मैं ज्यादा आटा लेता तो लंबी हो जाता है। ओ पीले में बिगल में तो वैसे लंबी हो जाता है ना, ले निकल देना थोड़ा थोड़ा के ले रही। सो गाइस, अभी मैं ये आटा भून लेती हूँ, फिर जब मैं मतलब रोटी पकाऊंगी तब मिलेंगे। ले रहा हूँ। हाँ ले लो, थोड़ा ले रहा हूँ। तो आटा भूनने के बाद मिलते हैं, और एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। हमें बिट्टू को तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ से आटा ले लेकर भून रहा है। ये भी ये देखो, इसके हाथ में देखो कितना सारा आटा है। और मुझे आटा भूनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। तो मैं जब आटा भूनना खत्म कर दूंगी, आटा को ठीक से भून लूंगी, तब मिलते हैं जब मैं पकाने वाली हूँ। तो बाय बाय। कितना आटा भून चुका है तुम? अरे भाई, इतना ज्यादा आटा तो मैं नहीं खा सकता। अरे मम्मी के लिए भी तो बनाना है, और पापा के लिए भी तो बनाना है, इसलिए मैंने। पापा के तो दांत इधर ही है, जितनी है। क्या बकवास कर रहा है? दादी के इधर इधर लाल वाला है, सफेद वाला है, मेरा वाला दीदी। अरे यार, तुम ऐसा क्यों करते हो? बहुत गंदा हो जाता है। है नहीं दीदी था। दीदी मैं तो खेल जा रहा हूँ। बोर हो गया क्या? ठीक है ठीक है, जाओ रूम में, रूम के अंदर ही खेलना। क्या खेलना? अभी मैंने गाइस आटा भूनना खत्म कर दिया है। मैं भी खेल रहा हूँ। इतना सॉफ्ट हो गया है। मैं अभी आटा को पीसूंगी, फिर चलो किचन में चलते हैं। मुझे बोरिंग हो।
सो गाइस देखिए गाइस मैंने बेल लिया है आटा। देखो गाइस पहली बार किया है ना, देखो देखो गोल भी ठीक से नहीं बन रहा है मुझसे, पर अच्छा लगे ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अच्छा नहीं लग रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। अरे भाई एक पे दो ले, इधर है एक, और तूने तो एक ले लिया। देखो मैंने कितने सारे किए, एक एक ऐसा है स्क्वायर जैसा, और एक एक ओवल शेप का, और ट्रायंगल शेप का भी बना देना मेरे लिए। ट्रायंगल शेप ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं बोल रही हूँ। दीदी मुझे आता पता है, देख मैंने क्या। अभी मैंने गाइस अभी पोटैटो फ्राइज करने के लिए अभी मैंने तेल डाल लिया है, तेल को गर्म होने दो फिर पोटैटो फ्राइज करेंगे। देखो गाइस, अरे भाई कितना तक देर रहेगा रोटी बनाने के पर? ठीक है बना दूंगी यार। जल्दी जल्दी रख ले, भूख लगी है मुझे। ओ तुम्हें भूख लगी है, ठीक है तुम्हें खा सकती हूँ मैं, ठीक से खा लेती हूँ। येलो येलो क्या क्या रोटी खा ली तू? दीदी थैंक यू कितनी मिले दीदी, तो अब खा रहा हूँ। दीदी रोटी बना रहा है और मैं बैठ के खा रहा हूँ। हाँ रोटी बैठ के खा रहा हूँ, अब ये फिरने वाला है। और भी रोटी दो। अरे तुमसे नहीं हो पाएगा वो। हो गया मुझ क्या नहीं हो, कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं और हिंदी भाषा में तो मुझे पता नहीं, पर ये बॉयल टमाटो और फिर
पोटैटो के साथ बनाया गया है। ये हिंदी में क्या कहता है कहते हैं वो मुझे पता नहीं। ये देखिए गाइस, ये फिश है। मुझे पोटैटो फ्लाइस पसंद है। अभी हम लोग खाएंगे। खुद के हाथ का बना खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। मैं तो मम्मी का खाना अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगा? वो ठंडे लग रहे हैं मुझे। मैं खुल जाऊँ? के लिए बस इतना ही। सो बिट्टू आप बोलो क्या करना चाहिए हमें उनको। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और जो मेरे न्यू व्यूवर्स है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन को दबा दो। और आज का वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में